यही तो लेंगे आरक्षण, लाठी थे और हमारे बीच में वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ लेंगे, यहाँ बीच रोड पे आरक्षण लेके रहेंगे। अच्छा जी, हाँ आरक्षण के लिए आप डंडे का प्रयोग करेंगे? हाँ, दे सरकार हमारे काज, हमारे हक मांग रहे हैं, हमका भीख मांग रहे हैं, आरक्षण दे हमारे काज, क्यों नहीं दे रही है हमारे हक के? जब सब समाज के काज दे दी हमारे काज तो दो, हमारा भी तक है 12% आरक्षण लेने के लिए। 12% चाहिए? 12% 12% दे दे, पीछे और देख लेंगे, मर जाएंगे और आरक्षण लेंगे यहाँ पे। यहाँ पर है तो बंदी चलावो तो जाने ना लाला, हम तो गरीब आदमी, हम नेता के बराबर का जाने, हम तो आरक्षण जाने, तो भैया गैस के बोला ने फेंक रहे तो कैसे सामने करें, और कह रही न्याय रहेंगे और खा जाएंगे। लगातार हम आपको धरना प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी हम जो आगरा, जयपुर टू आगरा जो हाईवे है, उस हाईवे पे मौजूद है, महिलाएं मोर्चा संभाली हुई है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं, क्योंकि जो आरक्षण की मांग है, सैनिक समाज की, कुशवाहा समाज की जो मांग है, 12% उनकी जनसंख्या है और 12% की वो आरक्षण मांग करते हैं। जी क्या मांगे हैं? आरक्षण। आरक्षण कितना परसेंट? 12%। 12%? हाँ। अच्छा, लाठी डंडे क्यों लिए हुए हैं? यही तो लेंगे आरक्षण, लाठी थे और हमारे बीच में वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ लेंगे, यहाँ बीच रोड पे आरक्षण लेके रहेंगे। अच्छा जी, हाँ आरक्षण के लिए आप डंडे का प्रयोग करेंगे? हाँ। आरक्षण की बात करें, अभी जैसा हम देख पा रहे हैं कि लगातार आपने 3 से 4 दिन हो गए, आप कब से आंदोलन में? जब 21 तारीख से आंदोलन चल रहा है, आप यही है? जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा 12% जब तक रहेंगे, डटे रहेंगे, यही रहेंगे। महंगाई के दौर में मकान बनाना हो गया है मुश्किल, चलिए हम आपको सस्ते दामों में मकान बनवाते हैं। जब भी आप घर मकान बनाओ तो AMK मार का ईंट ही खरीदना, कम लागत और कम ईंटें लगेंगी, पैसों की होगी बचत और आपके मकान को देगी मजबूती। AMK मार का ईंट खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और कारी न्याय रहेंगे और खा जाएंगे। देख सकते हैं महिलाएं पूरे जोश में हैं जो आरक्षण की मांग करती हैं। देख रहे हैं कि जो तस्वीरें यहाँ है कि कह रहे हैं कि इस आंदोलन में जो उसी दिन से जब आप लोग बैठे हैं, पहले गोलियां कह रहे हैं कि गोलियां चला गई, आंसू गैस के गोले भी दागे गए, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई और कहानी, गैस के गोले लगे हैं, आंखन में धूल लगी है, प्लस ने पीछा भी करा है, भगे डंडे भी मारे। अच्छा, डंडा वंडे भी मारे गए? डंडा वगैरह भी तो आप प्रदर्शन कर सकती हो, क्यों डंडा तो भैया गैस के गोला ने फेंक रहे तो कैसे सामने करें? अपने बचाव के लिए आप लोग लेके रखे हैं और कहानी। अच्छा, आरक्षण की मांग करते हैं, आरक्षण मिलेगा तो आप लोग हटेंगे? आरक्षण मिलेगा जब हटेंगे, नहीं तो यार रोड पे ही जमे रहेंगे। अच्छा, रोड पे जमे रहेंगे? आरक्षण नहीं चाहिए भैया जी, आरक्षण के लिए आप लोग यहाँ खड़े हैं। महिलाएं मोर्चा संभाली हुई है, लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, बुजुर्ग महिला भी आए। जी अम्मा, क्यों आप यहाँ आए? आरक्षण लिए आए, आरक्षण लेने आए। अच्छा, आरक्षण मिलेगा सरकार से? आप उम्मीद लगा रहे हैं? क्या उम्मीद है आपको आरक्षण की? भी आरक्षण की उम्मीद है कि सरकार आरक्षण देगी? दे सरकार हमारे काज, हमारे हक मांग रहे हैं, हमका भीख मांग रहे हैं, आरक्षण दे हमारे काज। अच्छा, क्यों नहीं दे रही है हमारे काज, हमारे हक है, जब सब समाज के काज दे दी हमारे काज तो दे, हमारा भी तक है 12% आरक्षण लेने के लिए। 12% चाहिए? 12% 12% दे दे, पीछे और देख लेंगे। और कहा जा रहा है कि आरक्षण नहीं मिलेगा, यहाँ से हटने वाले नहीं है। लगातार आप देखते रहे हमारे साथ, क्योंकि महिलाओं ने मोर्चा संभाला है, ये कह दिया है कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। क्या नाम है? सावित्री। सावित्री जी, आप लोग यहाँ धरने में कब से हैं? 4 दिन से। 4 दिन से? क्या क्या मुख्य मांगे आपकी है? आरक्षण। और क्या, और आरक्षण के साथ साथ और क्या मांगे? आरक्षण मांगे हम 12% 12% आरक्षण मांगे, नौकरी भी मांगे। तो नौकरी जब पढ़ेंगे नहीं तो खाते में लगे नौकरी, आरक्षण मिल जाओ नौकरी तो हम देख लेंगे, हमें तो आरक्षण चाहिए, आरक्षण आरक्षण चाहिए। डंडे को क्यों संगवाए हुए हैं हाथ में लिए? लाठी डंडा अपनी सावधानी के लिए, सरकार गैस के गोले छोड़ रही है, पीछे पड़ रही है, इसलिए लाठी डंडा हमारे साथ है। पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर भी किया गया था? पुलिस ने भगी है पीछे खेतों में, हमारे पीछे गैस के गोले छोड़े गए। अच्छा, 4 दिन से आप घर नहीं गए? नहीं गए, यही है, यही है।
जब आप लोग कब तक यहाँ डटे रहेंगे? जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक ये रोड को कतई खाली नहीं करेंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यही बैठे रहेंगे, नहीं जाएंगे। आरक्षण की आप लोगों की मुख्य मांग है। हाँ, आपके नेताओं को जैसे हिरासत में लिया गया था, अभी उनको भी आप लगातार मांग कर रहे की छोड़ने की मांग की, अभी आगे हैं, आगे तब आरक्षण दो। अब आरक्षण की मांग है हमारी। चलिए, अभी आरक्षण की मांग है, अगर आरक्षण मिलता है तो आप लोग घर वापसी करेंगे? हाँ, जब ही जाएंगे, नहीं तो आरक्षण नहीं मिलता है तो आप लोग नहीं रहेंगे, आरक्षण लेके जाएंगे। अच्छा, कुछ देखा गया कि ज्ञापन दिया गया कहीं ना कहीं सरकार को कि जो लोग वहाँ आंदोलन करें वो उग्र लोग हैं, इसका आप क्या कहेंगे? हम तो आरक्षण चाहिए, हम अपना हक मांग रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आरक्षण चाहिए। बाहर देखिए, लगातार जो नेता के बराबर, हम तो गरीब आदमी, हम नेता के बराबर का जाने, हम तो आरक्षण जाने, आरक्षण की जाने 12% आरक्षण, घर के पढ़ाए ना ही चाहिए आरक्षण, बच्चा की जिंदगी कैसे बनेगी, हमारे पीछे बारे की, हमने तो मजदूरी कर ली, दूसरे के पेट भर लियो, और बच्चा ऐसे ही करते रहेंगे का अगली पीढ़ी में, हमें तो आरक्षण चाहिए, आरक्षण से पढ़ेगा, आरक्षण से लगता है झूठ तो मिल रही है, हमारे बच्चा ने कैसे कैसे मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं, प्रभु दिन की इतने मेहनत कर रहे हैं, और नीची जात के भी इनको छूट मिल गई है, नंबर वन में आ रहे हैं, तो हमारे बच्चा हमको तो छूट चाहिए, सैनी बैसिंग है ना की दुनिया में, और गुजरन को आरक्षण मिल गई, महिलाओं को आरक्षण मिल गो, सैनी को मिला ही नहीं रहा कुछ भी, और भी साहब और भी चले गए बेचारे, और भी एक कदा दिए घर पर। ये लाठी डंडे आप लोग लिए हुए हैं इस उम्र में भी? हां जी, लाठी डंडे भी संगवाए हुए हैं, यहां का रहता बंदी करा वो तो जाने ना लाठी डंडे कल ना बिना पढ़े लिखे बच्चा की जिंदगी बना रहे हो, तो लटकाई लेंगे और क्या करेंगे, हम तो पूरा खाना मर जाएंगे और आरक्षण लेंगे यहां पे, आरक्षण करेंगे 12% और मन्नत है, एक बार मन्नो पड़े रहेंगे ना पे, समाज में तो मरेंगे। लगातार जो महिलाएं हैं उनका एक ही है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हटने वाले नहीं हैं, आरक्षण दे सरकार, नहीं दे तो हमारे पास क्या है, वो लगातार दिखा रहे कि हमारे पास डंडा है, डंडे के साथ हमारे प्रदर्शनकारी मेरे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उसी के साथ जो इनके नेता है, 21 नेताओं को हिरासत में लिया गया था, उनको आज छोड़ दिया गया है, कमेटी बनाई जाएगी, अभी कमेटी तय नहीं हुई है कि कमेटी में कौन लोग होंगे, वो भी हम आपको जानकारी देंगे कि कमेटी बनने के बाद कमेटी का क्या निर्णय होगा, कमेटी सरकार के नुमाइंदों से मिलने जाएगी, सरकार के लोगों से मिलने जाएगी, या फिर यहीं पर सरकार को बुलाने की वो लोग कोशिश करेंगे, क्या आगे की तस्वीरें रहेंगी वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहें। अगर आप देखना चाहते हैं हर एक खबर, हर एक अपडेट सैनी समाज का जो प्रदर्शन चल रहा है, तो आप डीटीवी न्यूज पर लगातार बने रहें। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जोकोली, डीटीवी न्यूज से धन्यवाद। महंगाई के दौर में मकान बनाना हो गया है मुश्किल, चलिए हम आपको सस्ते दामों में मकान बनवाते हैं। जब भी आप घर मकान बनाओ तो AMK मार का ईंट ही खरीदना, कम लागत और कम ईंटें लगेंगी, पैसों की होगी बचत और आपके मकान को देगी मजबूती। AMK मार का ईंट खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।